एक हाई एंड कॉलेज, स्टूडेंट्स का ग्रुप, थ्रिलर, सस्पेंस, रिवेंज, ये सब आपको मिलने वाला है नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल फिल्म गिल्टी में। और अब उसका ट्रेलर लॉन्च हो गया और इस वीडियो में हम इस ट्रेलर का रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के लुक की, ट्रेलर की, जो सबसे पहले निकल के आता है। इससे कुछ वक्त पहले धर्मा प्रोडक्शंस के हैंडल से इसका एक पोस्टर लॉन्च हुआ था। वो पोस्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग था। पोस्टर में कियारा आडवाणी बनी हुई थी और उनके जो बाल थे वो कलर्ड थे। उन्होंने एक छोटी सी नोज रिंग पहनी हुई थी जो ये दिखा रही थी कि ये एक यूथ की कहानी है। कहीं कहीं से हिप्पी वाला लुक भी आ रहा था, बट अब ट्रेलर आ गया है और ट्रेलर में क्या कुछ खास है उस पर बात कर लेते हैं। तो ट्रेलर में जो समझ में आ रहा है वो ये है कि ये फिल्म तीन दोस्तों पे बनी हुई है। तीन लोग हैं जिनमें से दो लोग एक रिच और स्पॉइल जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका फील देते हैं, और वहीं पर एक और स्टूडेंट है जो मिडिल क्लास को बिलोंग करती है। रिच स्टूडेंट की जो लॉट है उसमें कियारा आडवाणी और गुरफतेह सिंह पीरजादा, ये दो कैरेक्टर्स हैं। और जो मिडिल क्लास कैरेक्टर है उनका नाम है, वो प्ले कर रही हैं आकांक्षा। ट्रेलर की शुरुआत में एक कहानी स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है कि किस तरह से एक माहौल है कॉलेज का और उसी में जो लव ट्रायंगल है वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद किस तरह से ये पूरी कहानी थ्रिलर और सस्पेंस में बदल जाती है, एक रात की बात है, और वो एक रात से किस तरह से इन तीन कैरेक्टर्स की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। कहा यह जा रहा है कि ये वैलेंटाइंस नाइट की वो रात होती है और उसके बाद एक हादसा होता है, रेप होता है, लेकिन वो रेप किसने किया है, क्या ब्लेमिंग गेम चल रहा है, पूरी कहानी इस पर होने वाली है। फिल्म के दो एक्टर्स आकांक्षा रंजन कपूर और गुरफतेह सिंह पीरजादा इस फिल्म से अपनी डेब्यू करने के लिए जा रहे हैं, और कियारा आडवाणी को आप इससे पहले कई फिल्मों में देख चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट कर रहा है वो कियारा आडवाणी का लुक अट्रैक्ट कर रहा है, और एक वॉयलेंस भी आपको इस ट्रेलर में थोड़ा थोड़ा नज़र आएगा। इसी वजह से इंटरनेट पर कियारा आडवाणी को लेकर बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, मीम्स भी बन रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये प्रीति जो है वो कबीर सिंह हो चुकी है इस फिल्म में। कई जोक्स ये भी कह रहे हैं कि भाई डिवोर्स हो चुका है कबीर सिंह और प्रीति का, और उसके बाद प्रीति इस रूप में आ गई है। खैर, फिल्म के बाकी के डिटेल्स की बात कर लेते हैं। फिल्म को प्रोड्यूस किया है करण जौहर, यानी कि धर्मा प्रोडक्शंस की डिजिटल विंग ने, और फिल्म को डायरेक्ट किया है रुचि नारायण ने। ये तीन कैरेक्टर्स यानी कि तनु, विजय और नानकी, ये तीन कैरेक्टर्स आपस में किस तरह से बंधे हुए हैं और किस तरह से इनकी ज़िंदगी इंटरकनेक्टेड है, और फिर किस तरह से एक हादसा होता है और उससे क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, ये आपको इस पूरी फिल्म में देखने को मिलेगा। नेटफ्लिक्स में हमेशा से ही थ्रिलर और सस्पेंस फिल्में एक जॉनर रही हैं और खूब पसंद भी की गई हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि इस फिल्म में भी बहुत सारे लेयर्स देखने को मिलेंगे, और जिस तरह से जैसे जैसे फिल्म की परतें खुलेगी, फिल्म कहीं ना कहीं आपको मज़ा देगी, उस सस्पेंस के हंगर को शांत करेगी। आपको इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि कियारा आडवाणी का लुक, कियारा आडवाणी की एक्टिंग आपको इस ट्रेलर में कैसी लग रही है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों को गिल्टी का ट्रेलर पसंद आया है या जिन्हें नहीं भी पसंद आया है उनको ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। ये है ABP News, आपको रखे आगे।